हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। थोड़ा सा वैष्णव भजन गाएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपदा, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपदा। सुनो भाई तेरी सुनो भाई हाय आश्रम लाइया भजे तारे कृष्णा नाही सजे। आश्रय लाइया भजे तारे कृष्णा नाही सजे। हर सब मर अकरान, हर सब मरे अकरान। वैष्णवेर चरण जला प्रेमा भक्ति दिए बला। वैष्णवेर चरण जला प्रेमा भक्ति दिए बला। आरोग्य हो नाही बला आरोग्य हो नाही बलवंत। वैष्णवेर चरण रेणु मस्तके भूषण बिनु। वैष्णवेर चरण रेणु मस्तक भूषण बिनु। आर नाही आर नाही भूषणेर अंत, आर नाही भूषणेर अंत। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराने, से सब भक्ति प्रव पंचान। वैष्णवेरा पादो त्वकम सामे नाही सब, यहाँ ते होइते वंशा पूर्णा, यहाँ होइते वंशा पूर्णा। वैष्णव संगीते मना आनंदीते अनुषण, सदा होय कृष्ण पर संग, सदा होय कृष्ण पर संग। दीना नरोत्तम कांदे किया धैर्य नाही बांधे, दीना नरोत्तम कांदे किया धैर्य नाही बांधे। मोरा दशा है न केला भंग, मोरा दशा के न होइला भंग। ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद। सुनो भाया हो एक माना, सुनो होया भाई एक माना। जय वैष्णव
ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर जया वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णवृंद की जाय श्रील प्रभुपाद की जाय जय गौर हरि प्रेमानंदे। बड़ा सुंदर भजन है, नया भजन है, लेकिन बड़ा सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी इस भजन में वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं अरे भाई और बहनों सब लोग एकाग्रचित होकर सुनो, एक ध्यान से सुनो। वैष्णवों के चरण कमल ही इस जगत की सुसंपदा है। यदि उनका आश्रय लेकर कोई कृष्ण भजन करता है तो कृष्ण उसका त्याग नहीं करते। बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हमारे भजन में कमियां हैं और हो सकता है, जैसे सुनते ना अपराध शून्य हो लयो कृष्ण नाम, अगर हम अपराधों से मुक्त होकर भगवान का नाम लेंगे तब भगवान हमारा नाम स्वीकार करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं यदि कोई वैष्णव का आश्रय लेकर कृष्ण भजन करता है तो कृष्ण उसे कभी त्याग नहीं करते हैं। उनका आश्रय लिए बिना यदि कोई भजन साधन करता है तो व्यर्थ ही मरता है, उसका भजन साधन निष्फल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो कृष्ण से है वो वैष्णव के थ्रू है। वैष्णव का चरण जल प्रेम भक्ति प्रदान करने में समर्थ है और कोई दूसरा उपाय शक्तिशाली नहीं है। वैष्णवों की चरण रज ही मस्तक का भूषण है और सब अनंत भूषण व्यर्थ हैं। पुराणों में तीर्थों के जल को पवित्र बताया गया है, परंतु भक्ति के लिए ये सब प्रपंच मात्र है, क्योंकि वैष्णव के चरण जल से तीर्थ जल की कोई तुलना ही नहीं है। अतः इसका पान करने मात्र से सारे मनोभीष्टों की पूर्ति होती है। वैष्णवों के संग में सदैव कृष्ण कथा की चर्चा होती है जिससे मन सर्वथा आनंदित रहता है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर रोते हुए कहते हैं ये स्थितियाँ क्यों नहीं प्राप्त हुई, मेरे धैर्य की सीमा टूटी जा रही है। तो वैष्णव संघ और वैष्णव कृपा पर हमारे आचार्यों ने बल दिया है, और विशेष रूप से हम पिछले कुछ दिनों से महान वैष्णवों की महाजनों की कथा सुन रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमारे को ये मूड भी डेवलप करना चाहिए कैसे हम इन वैष्णवों की महाजनों की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं इन वैष्णव भजनों के द्वारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरे नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकी नमाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो श्रीमद्भागवतम में छठे स्कंद से हम सुन रहे हैं यमराज जी अपने दूतों को 12 महाजनों की कथा सुना रहे हैं, उनका नाम वर्णन करते हुए कहते हैं स्वंभु नारदा शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जन को भीष्म बलैर व्यासकीर वयम। वो कहते हैं कि ये 12 लोग जो हैं ब्रह्मा जी नारद जी शिव जी चार कुमार कपिल देव मनु प्रहलाद महाराज जनक महाराज भीष्मदेव बलि महाराज व्यासकी और अवय मैं, ये सब भागवत धर्म को जानने वाले हैं जो कि बहुत ही गोपनीय है, लेकिन तीनों गुणों से मुक्त है। और यदि कोई बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति है और वो इस ज्ञान को प्राप्त करता है तो वो भी अमृतमय जीवन को प्राप्त कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम के अनुसार हमने अभी तक 10 भागवत महाजनों का श्रवण करने का प्रयास किया है, और आज हम 11वें महाजन जिनका नाम है व्यासकी
सुखदेव गोस्वामी भयासखी मतलब व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी के बारे में श्रवण करेंगे। तो जैसे आपने बताया था कि भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन और हिम सबके एक एक आचार्य हैं। हाँ, जैसे बलि महाराज जो हैं आत्मनिवेदन के आचार्य हैं, प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं, तो इसी प्रकार कीर्तन के आचार्य हैं सुखदेव गोस्वामी। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को सुनाई गई शुक्रताल में गंगा जी के तट पर, जब परीक्षित महाराज श्रृंगी ऋषि के पुत्र शमिक ऋषि के श्राप से ग्रस्त थे और 7 दिन के अंदर उन्होंने ये कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाई। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं। शुका मतलब तोते को बोलते हैं, लेकिन ये कोई साधारण तोते नहीं थे, स्वयं राधा रानी के तोते थे। एक चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हुए हैं कवि कर्णभूर, उन्होंने आनंद वृंदावन चंबू में सुखदेव गोस्वामी के प्राकट्य की कथा वर्णन की है कि किस प्रकार से वृंदावन में राधा रानी के पास एक बहुत ही सुंदर तोता था जिनको गोवी अपने हाथ पर बिठाकर और अनार के दाने खिलाया करती थी और साथ साथ में उसको उत्साहित करती थी, बोलो कृष्णा बोलो कृष्णा, और इस तरह से वो तोता भगवान कृष्ण का नाम लेता था। एक दिन इस तरह कृष्ण का नाम लेते लेते वो तोता उड़कर और नंदगांव में चला गया और भगवान कृष्ण के आंगन में पहुंच गया जहां भगवान अपने मित्रों मधुमंगल वगैरह से बैठे थे और एक पेड़ पर जाकर कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। तो भगवान ने देखा ये कौन बोल रहा है और तब उन्होंने देखा कि ये पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा है। उन्होंने उसको नीचे बुलाया और फिर उस तोते ने कहना शुरू किया कि मैं बहुत ही अभागा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। कृष्ण बोला क्यों? बोला कि मैं ऐसे मेरी स्वामिनी राधा रानी है कि मैं उनको छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। उसने इस तरह से इतने भाव से बोला इस बात को कि कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए और बड़े उससे इंप्रेस हुए और उन्होंने फिर उनको बुलाया सहलाया उसको और भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए बोला। इतनी देर में ललिता और विशाखा वहाँ पर आ गई और उन्होंने कृष्ण को बोला ये तो राधा रानी का तोता है हमें वापस कर दो। कृष्ण ने बोला अगर तुम्हारा है तो बुलाओ इसको, अगर तुम्हारा होगा तो चले जाएगा तुम्हारे पास, मैं तो दूंगा नहीं। तो ललिता विशाखा ने कई बार उसको पुकारा लेकिन वो तोता वापस ही नहीं आया और ललिता विशाखा ने बोला कृष्ण तुम इतने आकर्षक हो, जो भी तुम्हारे पास एक बार आता है अपने प्रेम से तुम उसको आकर्षित कर लेते हो और फिर मैं तुम्हें छोड़ नहीं चाहता, लेकिन अगर ये तोता राधा रानी के पास नहीं गया तुमको बड़ा प्रिय है तो फिर राधा रानी इसके बिना जी नहीं पाएंगी। कृष्ण कहते मैं तो दूंगा नहीं, अगर आना है तो वो आके ले जाएंगी यहाँ पे। और तब ललिता विशाखा सोचती है क्या करें और फिर वो जाती हैं यशोदा मैया के पास और यशोदा मैया से प्रार्थना करती है देखो राधा रानी का तोता यहाँ पर आ गया, कृष्ण में दे नहीं रहे हैं। और यशोदा मैया तो अपने वात्सल्य भाव में और जाती है कहती मैं भी लेके देती हूँ और डांटती है कृष्ण को तुम क्या करते हो सारा दिन ये पशु पक्षियों के संग खेलते रहते हो, चलो तुम्हारे पिता नंद महाराज वहाँ इंतजार कर रहे हैं, आओ फटाफट स्नान करो और फिर प्रसाद खाना है। अब कृष्ण अपने नंद महाराज यशोदा मैया को भी आनंद देना है तो मान जाते हैं और इस तरह से वो तोता वापस लेकर चली जाती है। इस तरह से बड़ा सुंदर लीला है। तो जब भगवान राधा कृष्ण जाने लगे अपनी लीलाओं को संपन्न करके तो उस तोते ने राधा रानी को बोला मैं भी आपके संग जाऊंगा। तो राधा रानी ने बोला नहीं नहीं आपको यहीं पर रहना है क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो हमारे जाने के बाद जो राधा कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं उनका गुणगान उनका वर्णन कौन करेगा और उसका वर्णन ना होने पर उसका श्रवण ना करने पर तो जीव कभी भी भगवान की तरफ आएगा ही नहीं सुनेगा ही नहीं तो आकर्षित कैसे होगा। जैसे हमने प्रसिद्ध श्लोक भागवतम का बोला था अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषिम देहमास्थिता भजते तदृशी क्रीड़ा यात श्रुत्वा तत्पर भवेत। 10वें स्कंद में आता है श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि जब मैं आता हूँ तो इतनी सुंदर लीलाएं करता हूँ और क्यों करता हूँ जिसको कि सुनकर या श्रुत्वा तत्पर भवेत कि लोग मेरे प्रति समर्पित हो जाएं। तो राधा कृष्ण ने ये बोला कि आपको यहाँ रहना है, लीलाओं का गुणगान करना है, प्रचार करना है। तो तोते ने बोला लेकिन मैं आपकी लीलाओं को सुने बिना कैसे रहूँगा। उन्होंने बोला चिंता नहीं करो यहाँ पर भगवान की कथा कीर्तन लीलाएं चलती रहती है, आपको कोई ना कोई बड़ा अच्छा वक्ता मिलेगा। चले गए वो राधा कृष्ण ने धाम में और ये तोता सोच रहे कहाँ जाऊँ और तब उसने सुना था भागवतम में वैष्णव नाम यथा शंभु कि भगवान शिव तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, हमेशा भगवान की कथा कीर्तन करते रहते हैं। तो कैलाश पर्वत पर जाता है वो तोता और वहाँ पर भगवान शिव
हमेशा की तरह कथा कर रहे हैं, पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी कथा सुन रही हैं। ये जाकर पेड़ में बैठ जाता है, हरे पत्ते हैं पता नहीं चलता है। और जब पहले स्कंद से कथा सुनाना शुरू करते हैं, जब दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं, तो हम जानते हैं दूसरे स्कंद में भगवान सर्ग विसर्ग सृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं और पार्वती को थोड़ा सा नींद आ जाता है, सो जाती है वो। तो लेकिन जब पार्वती पहला स्कंद सुनी थी तो हूं करके गिर थी, बहुत अच्छा आप सुनाइए। तो दूसरे स्कंद में उनको नींद आ गई तो जो तोता था उसकी इच्छा थी कथा सुनने की, तो वो बोलता रहा हूं, और भगवान शिव पूरी भागवत कथा सुनाते रहे। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है, इस कथा का हम देख सकते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है ये कथा। तो जब वो सुनाते रहे और जब दसवां स्कंद सुनाने के बाद जब बारहवें स्कंद में आने वाले थे, उन्होंने पार्वती से, तो इन दिन में पार्वती उठ गई थी। मैंने पूछा पार्वती जी आपने सुना ना सब कुछ, तो कहती क्षमा कहिए स्वामी जी, मेरे को थोड़ी नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। ऑनेस्टली उन्होंने एडमिट किया। तो भगवान श्री ने बोला, अरे अगर तुम सो गई थी तो हूँ कौन बोल रहा था, और तुमने इधर देखा तो देखा पेड़ पर एक तोता बैठा है। अब उन्होंने सोचा कि तोता तो ये ज़्यादातर तोता तो एक कम बुद्धि का जीव है जो उसको रटाओ रट लेता है, लेकिन बिना उसके मतलब समझे भी उसको बोलता रहता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसका ठीक से व्याख्या नहीं करेगा, प्रचार नहीं करेगा, तो लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, दुरुपयोग करेंगे। तो उस तोते को पकड़ने के लिए दौड़े, दौड़ते गए वो तोता वहाँ से उड़कर, ऐसा वर्णन है कि कैलाश बद्री का आश्रम में पहुँच गया, जहाँ पर व्यास देव जी जिन्होंने नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था उनको ज्ञान दे रहे थे, और वो व्यासदेव की पत्नी के मुंह के द्वारा उनके घर में प्रवेश कर गया। व्यास जी ने बोला, शिव जी क्या बात, आप इतना त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हो, क्या बात? उन्होंने फिर सारी कथा सुनाई कि कैसे एक तोता ने सुन लिए। तो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला, व्यास जी ने आपको पता नहीं है कि जो भागवत में कथा सुनता है वो तो अमर हो जाता है, और उसको तो फिर आप नहीं मार सकते। फिर शिव जी वहाँ से वापस चले आते हैं, और फिर ऐसा वर्णन है कि करीब 16 साल तक व्यास देव जी की पत्नी के गर्भ में वो तोता बालक के रूप में रहता है। व्यास देव जी बोलते हैं, भैया क्या बात, निकलो भैया, कहाँ पर हो तुम, क्या कर रहे हो अंदर? सबको पता है माताओं के लिए 9 महीने कितना कष्टमय समय होता है, और 16 साल तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, उन समय उनका नाम था जब अंदर थे वो, उन्होंने बोला कि मैं नहीं आऊँगा बाहर, क्योंकि बाहर तो माया है। क्योंकि वो शुरू से भागवत सुनते आ रहे थे तो उनका रुचि नहीं था भौतिक संसार में। और तब व्यासदेव जी ने बोला, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, मैं माया को भगा दूंगा। उन्होंने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा बाहर। और तब सुखदेव गोस्वामी ने बोला, कैसे तुम एश्योर्ड हो गए? तो बोला, अगर भगवान कृष्ण आके बोलेंगे मुझे। और तो ऐसा वर्णन है कि व्यास जी द्वारका जाते हैं, भगवान कृष्ण को लेकर आते हैं, और भगवान कृष्ण बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि मैंने अपनी माया हटा ली है, आप बाहर आ जाइए। और तब 16 साल के बाद वो बालक सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं, कि जैसे ही बाहर आते हैं दौड़ पड़ते हैं वहाँ से और जंगलों में निकल जाते हैं, क्योंकि उनको भय था कि किसी प्रकार मैं इस भौतिक संसार में ना फंस जाऊँ। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर चले आते हैं। और हम सुनते हैं ऐसे भागवत में कथा कि किस प्रकार से फिर जब व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, वो कथा आगे आएगी। तो हमने ये सुना कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं राधा रानी के तोते के रूप में थे और भागवतम को पहले से जानते थे, और विशेष रूप से उनको भागवत का प्रचार करने के लिए यहाँ छोड़ा गया था। प्रारंभ में सुध गोस्वामी जी, जो कि सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने थे, असली में भागवतम का प्रारंभ वहीं से होता है। शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं सुध गोस्वामी से कि आप बताइए शास्त्रों का सार क्या है। तो सुध गोस्वामी जी सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में वो कहते हैं, हाँ, या स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम मध्यात्म दीप मति तीर्थाम तमो अंधम संसारिणम करुणा यह पुराण गुह्यम तम व्यासा सुनो। यहाँ जो वर्ड आया ना, व्यासा सुनुम, व्यासदेव के पुत्र यामी गुरुम मुनि नाम। सुध गोस्वामी जी कहते हैं, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव जी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहनतम अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप में इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव कहकर सुनाया है। बहुत महत्वपूर्ण बातें इस पर पढ़ने हैं।
जो लोग अंधकार में जीवन में डूबे हुए हैं उन कपटी निपट भौतिकवादियों को के ऊपर अनुकंपा करके कृपा करके, चैतन्य चरितमृत में भी श्लोक आता है, माया मुग्धेरे जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाले करे कृष्ण वेद पुराण। माया के अंदर लोग इतने डूबे हुए हैं कि उनको स्वतः अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं है, भूल चुके हैं कृष्ण भूलिया जीव, तो जीवेरे कृपाले करे कृष्ण वेद पुराण। तो जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने वेद पुराणों की रचना की और फिर भगवान ने साहित्य अवतार के रूप में वेद व्यास जी को भेजा। वेद व्यास जी ने भागवतम लिखे हैं नारद मुनि के कहने पर, बट हमें और आपको किसने सुनाने का अवसर दिया? सुखदेव गोस्वामी ने। ही इज द नैरेटर ऑफ दोस भागवतम पास्ट टाइम्स। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया गीता में, लेकिन असली में अगर आप गीता के स्टार्टिंग में पढ़ोगे और एंड में पढ़ोगे तो ये गीता, भगवद गीता क्या है? इट्स अ लाइव कमेंट्री, लाइव टेलीकास्ट बाय संजय। तो संजय की अनुकंपा है, संजय वहां पर उस ज्ञान को सुन रहा था और वो नैरेट कर रहा है। पहला श्लोक से शुरू होता है ना, धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र संजय से पूछता है और फिर संजय कहना शुरू करता है और लास्ट श्लोक तक संजय कहता है, यत्र योगेश्वर पार्थ यत्र धारण, यत्र पार्थ योगेश्वर, यत्र कह रहा है कि जहां जहां भगवान कृष्ण है, यत्र योगेत्र विश्व कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय हो, तो कह रहे कि जहां भगवान और जब भगवान के भक्त हैं वहां पर विजय और श्री लक्ष्मी निश्चित है। तो इस जिस प्रकार से भगवद्गीता का ज्ञान संजय के माध्यम से हम सब लोगों तक पहुंचा है, उसी तरह श्रीमद् भागवत ज्ञान सुखदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ सुध गोस्वामी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मैं उन सुध गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जो अंधकार में डूबे हुए लोगों को उनके ऊपर अनुकंपा करके कृपा करने के लिए उन्हें वैदिक ज्ञान के सार रूप को इस पद्म पुराण के रूप में दिया है, इस गुह्य पुराण के रूप में दिया है। और ये पुराण ऐसे ही नहीं दिया, आत्मसात करने के बाद, आत्मसात करने के बाद अनुभव करके दिया है। और इस बात को स्वयं व्यासदेव जी कहते हैं। ये श्लोक में तो सुध गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी को गुणगान किया है, लेकिन व्यासदेव जी भागवतम के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर थर्ड वर्स, बड़ा फेमस वर्स है, उसमें सुखदेव गोस्वामी की स्तुति करते हैं। कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिको भुवि भावुका। कहते निगम कल्पतरु पिबत भागवतम, निगम कल्पतरु गलितम फलम। हे भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पके हुए फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। ये श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतः और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वादन था। तो नारद मुनि ने व्यासदेव जी को भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का ज्ञान दिया, तो व्यासदेव जी ने बड़े ध्यान से भगवान के साहित्य अवतार के रूप में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए वो कह रही अमृत रस है कथा अमृत। और जो मुक्त जीव हैं तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम, जो मुनि लोग हैं मुक्त लोग हैं वो इसमें आनंद लेते हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जब इसको दोहराया है अपने मुख से बोला है, तो उदाहरण दे रहे कि जैसे आम का फल है, आम के फल को यदि कोई तोता बाइट करता है, साउंड नहीं आ रहा है क्या लोगों को? भक्तों को साउंड आ रहा है सबको? तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जब कोई आम का फल और तोते के द्वारा बाइट कर लिया जाता है तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। यहां पर इसका मतलब क्या है? प्रॉपर ये जो मैंने श्लोक बोला ना पहले, फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर थर्ड वर्स वाला, कि आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया है। अनुभव द्वारा तात्पर्य प्रॉपर ये कहते हैं, संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ होता है तोता। जब कोई पका हुआ फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल तो ज्ञान में पूर्ण विकसित और पका हुआ है, वे श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है जिसकी तुलना तोता से की गई है। इसलिए नहीं, देखिए तोते के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है और एक पॉजिटिव पॉइंट है, यहां कह रहे हूं
सुखदेव गोस्वामी के होठों की तुलना तोते से की गई है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया। जैसे तोते का कुछ भी रटाओ ना, रट लेगा वो, लोग फिल्मी गाने रटाएंगे वो भी रट लेगा, कुछ भी रटाएंगे रट लेगा। इसलिए नहीं कि तोते की तरह रट रहे हैं, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कार्य को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। व्यासदेव जी शास्त्रों को पुराणों को रचना करने वाले हैं, तो हो सकता है उनकी लैंग्वेज में टेक्निकल, बड़ा संस्कृत में लिखा है उन्होंने और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के महान भक्त हैं, वेदव्यास जी भगवान के साहित्य अवतार हैं, हमने कई बार चर्चा की भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक ज्यादा कृपालु होते हैं। तो भगवान ने, भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि उन्होंने आत्मसात किया, पहले खुद समझा बढ़िया से और फिर हर वर्ग के लोगों के लिए किसके लिए क्या अप्रोप्रिएट उसको समझाया है। जैसे हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, अगर आप खाली श्लोक का अनुवाद पढ़ोगे हमें समझ में नहीं आएगा, बट प्रभुपाद जी टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अनुसार उसको समझाया है कि कैसे उसको समझना है और समझने के साथ साथ अपने जीवन में उतारने का प्रवेश भी किया, कई एग्जाम्पल्स के साथ, कई एनालॉजीज के साथ प्रभुपाद ने समझाया। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कई उदाहरणों के संग भागवतम को समझाया है, कई कथाओं को। तो कह रहे श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वे तत्काल इसके दिव्य रस का अनुभव कर सकते। तत्काल रसमालयम, असली में भागवतम के श्रोता बनने की योग्यताएं हैं और वक्ता की भी योग्यता है। इसलिए कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के होठों से जो सुनता है तो उसको दिव्य रस का आस्वादन होगा जो कि भौतिक जगत के रसों से भिन्न है। यह पका हुआ फल एकदम से कृष्ण लोक से आके नहीं गिरा है। उदाहरण दिया था, जैसे समझ लो पेड़ पर आम लगा है, अगर ऊपर से फेंकेंगे उसको और अगर नीचे गिर गया तो फट जाएगा, तो क्या ऊपर से कोई बीच में पकड़ाता है फिर बीच से नीचे फिर इससे ट्रांसफर होता है। तो कह रहे हैं यह पका हुआ फल सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक आके नहीं गिरा है, यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ आया है सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन के। तो ये सुखदेव गोस्वामी की महिमा है कि उन्होंने ज्ञान को प्रस्तुत किया है एज इट इज, लेकिन अपने अनुभव के साथ इसको और मीठा बना दिया है। तो यहां पर व्यासदेव जी जो कि उनके पिता हैं, देखिए व्यासदेव जी भागवतम रचना करने वाले हैं, बट वो कह रहे हैं मेरे से अच्छा वक्ता ये है। और हम देखेंगे आगे जाकर जब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनने आते हैं तो वहां व्यासदेव जी हैं, व्यासदेव गुरु नारद जी हैं, शिव जी हैं, सारे लोग आए हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे हैं। हाँ, तो हमने जैसे उस दिन चार कुमारों की कथा में सुना था, प्रहलाद महाराज की कथा में सुना था और खासकर से कपिल मुनि कथा में सुना था हमने। कपिल मुनि कथा में क्या सुना था कि जो भगवान की कथा कीर्तन है उसके लिए गुरु हैं, उसकी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कपिल मुनि ने अपनी माता को ज्ञान दिया, माता उनसे उम्र बड़ी थी, लेकिन यहां पर सुखदेव सिंह बालक के रूप में 16 साल के हैं, लेकिन बड़े बड़े व्यासदेव नारद मुनि शिव जी सब बैठे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक अनुभव ज्यादा मैटर करता है। फिर आगे भागवतम में और गुणगान करते हैं सुध गोस्वामी जी, फर्स्ट कैंटो के फोर्थ चैप्टर के फोर्थ वर्स में कहते हैं व्यासदेव जी के पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। तो हम सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवाद का मतलब क्या होता है, ये एब्सोल्यूट जो परम सत्य है उसकी तीन स्टेजेस हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दता, भागवत में आया है कि ब्रह्म मतलब भगवान की जो ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाते हैं उनको बोलते हैं ब्रह्मवादी, और जो भगवान के परमात्मा रूप में ध्यान लगाते हैं उनको बोलते हैं परमात्मावादी, और जो भगवान के सुंदर भगवान के रूप में लगाते हैं ध्यान उनको भक्त बोलते हैं। तो प्रारंभ में सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे ऐसा यहां पर लिखा है, और उनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारिक कर्मों से परे थे लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, उनको पूरा ज्ञान था, संसार के कर्मों से भरे थे लेकिन अज्ञानी की तरह घूमते थे। हम आगे देखेंगे
ऐसा लग रहा था जैसे बस घूम रहे, बिना वस्त्रों के घूम रहे थे। हम बढ़ते कि जब वो चल रहे थे तो स्त्रियां बच्चे उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, गंदगी फेंक रहे थे, लेकिन वो ब्रह्मभूत, जैसे हम जड़ भरत की कथा सुनते ना, जड़ भरत भी अंदर से लग रहा था बिल्कुल अज्ञानी है। हमने जड़ भरत की कथा पढ़ेंगे पांचवें स्कंद में, भरत महाराज जो थे पहले ऋषभ देव जी के पुत्र, जिनके नाम पर यह देश का नाम भारत पड़ा, तो भगवान के भक्त थे, जंगल में छोड़ छाड़ कर सब कुछ आ गए, लेकिन भगवान की ऐसी योजना थी कि एक बार हिरण की में उनकी आसक्ति हो गई और अगले जीवन में उनको हिरण का शरीर मिला और उनकी गलती रिलैयाज हुई कि कैसे मैं थोड़ा सा मेरा ध्यान भटका और मैं हिरण बन गया था। फिर लेकिन उनको अपने याद था पूर्व जन्म भगवान की कृपा से, तो फिर अगला जन्म जब मिला तो फिर वो मनुष्य का मिला, लेकिन वो जड़ बन गए बिल्कुल। जड़ मतलब जिसको अवेयरनेस नहीं है कुछ बाहर क्या हो रहा है। और उनके भाइयों ने भी उसको खेत में खड़ा कर दिया, चलो खड़े रहो रखवाली करो। और एक दिन राजा रोगण अपने पालकी वालों के संग जा रहे थे और उन्होंने सोचा कि अच्छा तगड़ा आदमी है, चलो इसको लगा लेते हैं सेवा में। तो बिल्कुल मूक थे, कोई बोलना नहीं, ठीक है लगा लो, लगा चल पड़े। लेकिन एक बार जब वो चल रहे थे तो आगे चींटियां आ गई, चींटियों पे पैर नहीं रखा उन्होंने, तो एकदम से जो पालकी का बैलेंस है वो बिगड़ गया। तब राजा ने पूछा कौन है ये व्यक्ति, और तब बाकी सेवकों ने बोला ये नया व्यक्ति हमने लगाया ना जड़ भरत, ये थोड़ा खराबी कर रहा है काम को। और तब उन्होंने थोड़ा डांटा जब उनको, तो फिर राजा रोगण को ज्ञान दिया और जब बोलना शुरू किया उन्होंने, तब राजा रोगण समझे कि कौन है, फटाफट नीचे उतरे, क्योंकि राजा रोगण भी भगवान के भक्त थे, प्रणाम किया उनको। इसलिए शास्त्र कहता है कि आप बाहर की अपीयरेंस से किसी भक्त की पहचान नहीं कर सकते हो। भक्त क्या, इवन मूर्ख व्यक्ति के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई व्यक्ति मूर्ख है या बुद्धिमान तब तक नहीं पता चलता जब तक वो बोलता नहीं है। तो हम यहां सुन रहे सुखदेव गोस्वामी प्रकट ना होने के कारण अज्ञानी जैसे लग रहे थे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में ना फंसे रहे। जागरूक, ऑलवेज ऑन हाई अलर्ट, अलर्ट पे जागरूक बने रहे कि कहीं मैं किस तरह से, क्योंकि मुक्त जीव का लक्षण ये, मुक्त जीव का लक्षण ये नहीं कि सिर्फ वो जंगल में आके बैठ जाएगा, पर जहां भी है वो हमेशा अलर्ट पे रहते हैं। जैसे आजकल लोग अलर्ट पे है ना, कोई भी वायरस अटैक नहीं करना चाहिए, बड़ा सावधानी से निकलना है, चलना है, हाथ धोना है। तो अलर्टनेस मतलब ये किसी भी तरह से माया के प्रभाव ना पड़े। और मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पद पर अग्रसर होता रहता है, जो कि बद्ध जीव के लिए सपना सा बना रहता है। तो ही वॉज ऑलवेज ऑन प्रोग्रेसिंग। और फिर हम अगले श्लोक में पढ़ते हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे जब वो सुखदेव गोस्वामी दौड़ रहे थे तो क्या हुआ, उनके पिताजी पीछे पीछे दौड़े, और एक नदी थी जहां पर कुछ जवान स्त्रियां स्नान कर रही थी बिना वस्त्रों के। तो जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को देखा तो सुखदेव गोस्वामी को देखा और अपना स्नान करना जारी रखा, लेकिन जब पीछे पीछे व्यासदेव जी आ रहे थे तो जब उनको देखा तो अपने शरीर को ढक लिया। तो वहां पर बड़ा आश्चर्य होता है व्यासदेव जी को कि सुखदेव गोस्वामी एक जवान लड़के हैं और उनको देखकर इन स्त्रियों ने अपने शरीर को नहीं ढका, और मैं इतना वयोवृद्ध व्यक्ति, उन्होंने बोला कि अरे तुम तो मेरे बेटियों की बेटियों के समान हो और तुमने सुखदेव गोस्वामी के समय अपने शरीर को नहीं ढका, ऐसा क्यों? तो वहां लिखते हैं वो कि उन स्त्री ने क्या जवाब दिया कि क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मभूत हैं, वो इतने लीन हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में कि उनको स्त्री पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं है, शारीरिक स्तर पर नहीं है वो। हमने सुना ना देहात्म बुद्धि और अध्यात्म बुद्धि, तो देहात्म बुद्धि मतलब अपने आप को शरीर मानना और अध्यात्म बुद्धि मतलब अपने आप को आत्मा मानना। तो कहती है कि सुखदेव गोस्वामी जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर है, उनको स्त्री पुरुष के शरीर में कोई अंतर नहीं, वो देखा ही नहीं, उन्होंने देखकर भी अनदेखा कर दिया है, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या, वो अपने लीलाओं में मस्त हैं, अपने ब्रह्म ज्योति के ध्यान में मस्त हैं। लेकिन आप व्यासदेव जी, आप तो गृहस्थ हो और आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, भेदभाव करना पड़ता है, इसलिए तो इसलिए हमें संकोच आ रहा था, इसलिए हमने कवर कर लिया। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं ये फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर के फिफ्थ श्लोक में कि भगवद्गीता में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चंडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी व्यवस्था प्राप्त कर ली थी, लेकिन प्रभुपाद साधन करें हमें यहां अनुकरण नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा, उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा कि ये आत्माएं हैं। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है।
तो सुखदेव गोस्वामी निर्दोष थे, 16 वर्ष के तरुण थे लेकिन फिर भी निर्दोष थे। तो प्रभुपाद लिख रहे कि उनके क्या थी, स्पिरिचुअल विजन थी, आध्यात्मिक दृष्टि थी। हा? तो जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो इसको मतलब शास्त्र चक्षु, शास्त्र चक्षु का मतलब क्या कि हर चीज को शास्त्रों के प्रमाण देखते हैं। तो प्रभुपाद लिखते कि उनका स्पिरिचुअल विजन थी, ये सुखदेव गोस्वामी का एक गुण था। अब वो थे ब्रह्मवादी, भगवान दिखाना चाहते थे, चार कुमारों की कथा में हमने सुना कि पहले वो भी ब्रह्मवादी थे लेकिन जब भगवान के चरणों की तुलसी का सुगंध लिया और कितना उनको आनंद मिला, फिर भगवान के धाम में गए, वो भगवान का दर्शन किया, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी दौड़े चले जा रहे थे। और तब उन्होंने कुछ लोगों को कुछ गीत गाते हुए सुना, कुछ श्लोक गाते हुए सुना, श्लोक गाते हुए सुना, वो उनके पास वापस आए, बोला ये क्या है इसका मतलब, बताइए श्लोक कहाँ से सीखे आपने। और तब उन्होंने बताया कि हमने अपने गुरु जी, आपके पिताजी जो है व्यासदेव जी, उन्होंने सुने हैं। दो श्लोकों का वर्णन आता है, वो दो श्लोक कौन से थे, पहला श्लोक था जो कि श्रीमद् भागवत में आता है ना, मैत्रेय विदुर संवाद में तीसरे स्कंद का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, अहो बकियम सनकालकूटम जिज्ञाम स्यापायाद अपि साधवी लेभे गतिम धत्रि उच्चितम ततो नयम कम वा दयालुम शरणम कम वा दयालु शरणम वजीरम। वो कहती हैं, कहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उन परम दयालु भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और की शरण में जाएगा, जिन भगवान ने बकियम बकासुर की बहन पूतना जब उनको मारने के लिए स्तन कालकूटम अपने स्तनों पर कालकूट रूपी जहर लगाकर जब आई, तो भगवान ने उनको भी क्या किया, धत्री उच्चतम, धत्री मतलब दाई का पोस्ट दिया, धत्री बोलते हैं जो माँ की हेल्प करती है। तो कहते हैं जो मारने के लिए आई थी बकासुर की बहन पूतना, उसको भी इतना ऊंचा स्तर दे दिया, इससे ज्यादा दयालु भगवान कौन होंगे। वो कह रहे कम वा दयालुम शरणम व्रज में जाना, कौन और किसी दयालु से ज्यादा दयालु कौन व्यक्ति हो जिसकी शरण में कोई जा सकता है, ये श्लोक उन्होंने एक बोला था। और फिर दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से था, क्योंकि गोपियां बोलती हैं भगवान की सुंदर वेणु गीत की स्तुति में, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासा कनकपिशम वैजंती चमालम रंधार वेणु अधर सुधया पुरय गोपवंद्रैर वृंदारण्यम स्वपाद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। कहती हैं अपने सिर पर मोर पंख आभूषण, अपने कानों में नील कर्णिकर फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र और वैजयंत्री माला धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया है। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया है। गोपियां श्लोक कह रही हैं सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्लोक में भगवान की दया के बारे में सुना, दूसरी श्लोक में भगवान की सुंदरता के बारे में सुना, कितने सुंदर है, आकर्षक है, रमणीक बना दिया। तब एकदम से सुखदेव गोस्वामी जो कि ऑलरेडी भौतिक आकर्षण से मुक्त हो चुके थे, और जब उन्होंने भगवान की सुंदर रूप के बारे में सुना, सुंदर करुणा के बारे में सुना, जैसे एक भजन है ना मधुराष्टकम, सब कुछ भगवान का मधुर है, नयनम मधुरम गलितम मधुरम गमनम मधुरम, भगवान का सब कुछ मधुर है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, और सुनकर फिर क्या हुआ, दौड़े कर आए वापस, वापस आए और व्यास देवी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान लिया। तो ये थे सुखदेव गोस्वामी। सुध गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी का गुणगान कई जगह किए हैं, हम कुछ गुणों को सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ये फर्स्ट कैंटो में आता है, दो बार आएगा ये बात, पहले सुध गोस्वामी कहेंगे और फिर परीक्षित महाराज इन्हीं श्लोकों इसी श्लोक को कहेंगे। वो कहेंगे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते थे। श्लोक है सा गोदेन मात्रम ही ग्रहशु ग्रह मेधिनाम, ग्रहशु ग्रह मेधिनाम, सुना होगा ग्रह मेधी, एक होता गृहस्थ और एक होता ग्रह मेधी। गृहस्थ मतलब जो घर गृहस्थी में रहकर परिवार में रहकर भगवान की आज्ञा का पालन करता है और भजन करता है, और ग्रह मेधी जो घर में तो रहता है लेकिन भगवान के आज्ञा का पालन नहीं करता है, सिर्फ घर गृहस्थी परिवार पालन में लगा रहता है, तो ग्रह मेधी बोलते हैं उसको।
तो सुध गोस्वामी कहते गो दोहन मात्रेना, जितनी देर में गाय दोही जाती है मात्रेना, उतनी देर केवल गाय दूते समय तक ही ग्रहेशु ग्रह में धीनाम अवेक्षते तो प्रतीक्षा करते थे महाभाग परम भाग्यशाली तीर्थी कुर्वन्ति तत् आश्रमा। कहते शुकदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दुही जा सकती है, वे उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। प्रभुपाद लिखते हैं ये है आदर्श उपदेशक के गुण जो दिव्य पद पर स्थित होते हैं। जो लोग संन्यास आश्रम में है या प्रचार में है और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके कार्यों से ये सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों के पास जाने का और कोई सरोकार नहीं होता। दे हैव नो अदर बिजनेस टू विजिट हाउस होल्डर्स, और किसी काम से नहीं आते। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य क्या है? उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है, प्रचारक है, सन्यासी है, वो तो ये बात पे पूरा विश्वास रखता है कि भगवान निश्चित रूप से मेरा पालन करेंगे, अवश्य रक्षते मे कृष्ण। गोप तृप्त वर्ण, ये शरणागति के दो लक्षण है ना, गोप तृप्त वर्ण मतलब कि कृष्ण मेरा अवश्य पालन करेंगे, और अवश्य रक्षते मे कृष्ण कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो इसलिए वो अपनी रक्षा के लिए, अपने पालन के लिए कृष्ण को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाता है। लेकिन यहां कह रहे हैं सुध गोस्वामी कि शुकदेव गोस्वामी जाते थे ग्रह मेदियों के घर में, गृहस्थ के घर भी जाते होंगे कथा कीर्तन करने के लिए, लेकिन विशेष रूप से ग्रह मेदी घर में आते थे, और कितनी देर के लिए? जितनी देर में गाय दोही जाती है, मतलब थोड़े समय के लिए। और क्या करते थे? वो करते थे तीर्थी कुर्वंती, तीर्थ कुर्वन, उस जगह को पवित्र बनाते थे। तीर्थ मतलब क्या होता है? तीर्थ स्थान जहां भगवान रहते हैं, और भगवान कहां रहते हैं? भगवान अपने भक्तों के कथा कीर्तन जहाँ होता है वहाँ रहते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी जाते थे उनके घर में और क्या करते थे? उसको तीर्थ बना देते थे। प्रभुपाद लिख रहे हैं उनको चाहिए कि गृहस्थ को सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर नहीं फंसना चाहिए। ये नहीं कि हम घर वाले के किसी गए और दिखा रहे वहाँ तो बहुत अच्छा टीवी है, फ्रिज है, बड़ा LCD लगा हुआ है, चलो वहीं बैठ गए। उद्देश्य क्या होना है उनका? और कोई सरोकार नहीं था, केवल दिव्य ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से ये उनका उद्देश्य था। इसी का श्लोक विदुर जी के लिए भी यूज कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज विदुर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं तीर्थ करवंती तीर्थानि स्वानंद स्थेन गदाभृता। वो कहते हैं आप जैसे भक्त, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर जी को, आप जैसे भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजित भगवान द्वारा तीर्थों को महातीर्थ बनाते हुए वितरण करते हैं। क्या करते हैं आप? तीर्थों को भी पवित्र करते रहते हैं। तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वानंद स्थेन गदाभृता। यह है सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों का गुणगान। और फिर हम सुध गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से वो पूरा कथा सुनाते हैं। और 19वें अध्याय में, पहले स्कंद के 19वें अध्याय में, 18वें अध्याय में परीक्षित महाराज के श्राप मिलने की कथा आती है। और फिर 19वें अध्याय में वो बताते हैं किस तरह से शुकदेव गोस्वामी प्रकट होते हैं। तो कथा सुनाते हैं परीक्षित महाराज की, सबने कई बार सुनी है कि किस प्रकार एक बार वो जंगल में गए थे पानी की तलाश में। उनको फिर एक ऋषि के आश्रम से जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो क्रोध में आकर उन्होंने क्या उनके गले में एक सांप डाल दिया। और जब उसका पुत्र आया तो उसने क्रोध में देखा कि मेरे पिता का अपमान किया किसने, उसने क्या किया, श्राप दिया कि जिस भी राजा ने व्यक्ति ने किया है उसकी आज से 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, वही तक्षक सर्पाकार काटेगा। और ये बात परीक्षित महाराज को पता चली। प्रभुपाद लिखते परीक्षित महाराज बड़े सक्षम राजा थे, चाहते तो उस श्राप को काट सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको भगवान की योजना माना। गंगा जी के नदी के तट पे आए और वहाँ बड़े बड़े लोग आ गए। जैसे ही परीक्षित महाराज पहुँचे वहाँ पर, जैसे हमने भीष्म पितामह कथा में सुना था, जब भीष्म पितामह शरीर त्यागने लगे थे, हम देखिए ये भीष्म पितामह के शरीर त्याग में कौन था? देव ऋषि, नारद ऋषि, सब सारे ऋषि आए थे, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि सब वहां पर आए थे, प्रवचन देने के लिए नहीं आए थे। इसी प्रकार यहां पर भी सब आए। परीक्षित महाराज ने शरीर त्यागना था, बड़े बड़े व्यासदेव जी भी आए, सब लोग आए। और अम्बरीश परीक्षित महाराज सबको प्रार्थना करते हैं कि अब मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे। और इतने वो चर्चा कर ही रहे थे
कि तब वहां पर ये सुखदेव गोस्वामी जी पहुंच जाते हैं उसी समय, यहां 19 चैप्टर से पढ़ रहे हैं, उसी समय व्यासदेव जी के शक्ति संपन्न पुत्र वहां पर आ गए। शक्ति क्या थी उनकी? आध्यात्मिक बल था। 16 साल के लड़के थे जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन और आत्मतुष्ट होकर विचरण कर रहे थे। ये हैं भगवान के भक्तों के गुण। देखो बिल्कुल अपोजिट लगते हैं गुण ना दोनों। एक तरफ कह रहे उदासीन, पृथ्वी पर उदासीन होकर घूम रहे थे। उदासीन का नहीं, उदास होकर परेशान होकर चेहरे पर 12 बजे थे, डिस्टर्ब थे ना। उदासीन मतलब वो संसार से बिल्कुल विरक्त थे, न्यूट्रल टू द मटेरियल वर्ल्ड, कोई रुचि नहीं था उनका। लेकिन आत्मतुष्ट, आत्मा राम अस्य मुने हो, लेकिन अंदर से बड़ा आनंद ले रहे थे, आत्मा राम थे। तो संसार में उनको कोई आनंद मिल रहा था? प्रभा जी कहते थे दो व्यक्ति है, एक कौवा और एक हंस है। कौवा आनंद लेता है गंदगी में, जैसे मक्खी है, नॉर्मल मक्खी आनंद लेती है गंदगी में, और जो मधुमक्खी है वो फूलों में रस ढूंढती है, या जो हंस है वो साफ सुथरे जल में मोती खाता है। तो इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी क्या है, पृथ्वी में उदासीन की तरह घूम रहे थे लेकिन आत्मदृष्ट थे और वहां पर आ गए। उनके गुणगान करते हुए कहते हैं उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या वर्ण आश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था, बिल्कुल मुक्त जीव की तरह घूम रहे थे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त, वनवास, बिल्कुल लिबरेटेड सोल की तरह, और लोगों का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उन्होंने वस्त्र भी डाले हुए थे, माँ के गर्भ से निकल के सीधे दौड़ पड़े थे ना, 16 साल के हो गए थे। तो लिखा है वहां स्त्री और बच्चों से घिरे हुए थे, उनके पत्थर मार रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनका। इस प्रकार का वेश धारण किया था मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित समझ रखा हो। अवधूत, अवधूत मतलब ही वही होता है जिसका भौतिक जीवन में कोई रुचि नहीं होता। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु के नाम पढ़ते हैं कि नित्यानंद प्रभु को अवधूत बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु मस्त रहते थे, उनको कोई टेंशन नहीं होता था क्या हो रहा है, अवधूत की तरह नाचते गाते रहते थे। एक बार वो गए वो वहां पर अद्वैताचार्य घर में, और अद्वैताचार्य उनको प्रसाद के लिए बुलाया था, और जब प्रसाद के लगे तो उठाया चावल का दाना और फेंक दिया अद्वैताचार्य के शरीर पर, और वो भी नाच लगे, अवधूत की तरह थे। और तब अद्वैताचार्य बोलते मुझे पता नहीं तुम्हारी कौन सी जाति है, कहाँ से आयो, मजाक चल रहा था। लेकिन मेन क्या है कि वहां पर वो भगवान के भक्ति में तल्लीन थे, अवधूत थे। वे बिना वस्त्रों के थे लेकिन उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोग कपड़ों से जाके आकर्षित बनना चाहते हैं, बट सुखदेव गोस्वामी ने कुछ भी नहीं डाला हुआ था लेकिन उनके शरीर की कांति, उनका शरीर का जो प्रकाश था भगवान कृष्ण जैसे। आप देखोगे अगर फोटो सुखदेव गोस्वामी बनाई, बिल्कुल श्याम कलर, नीले कलर के जैसे कृष्ण है। उद्धव जी के बारे में ऐसे लिखा, उद्धव जी का भी जो रूप है क्योंकि वो हमेशा कृष्ण में लीन रहते हैं, कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम संकीर्तन में उनके विचारों में रहते हैं। तो लिखा है कि उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी, बिल्कुल वैसी रिफ्लेक्ट हो रही थी। परीक्षित माने उनका आदर किया, सत्कार दिया, उनको आसन बिठाया, सब लोगों ने उनको प्रणाम किया। वहां पर वर्णन है सुखदेव गोस्वामी को सबने प्रणाम किया, जितने ऋषि उन्हें आए थे सबने आदर दिया उनको। 16 साल का लड़का, और जब प्रणाम किया तो स्त्रियों ने देखा, बच्चों ने देखा, अरे हम तो जिसको पत्थर मार रहे थे और ये तो सब लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, फिर वहां से गायब हो गए। तो महान व्यक्ति की पहचान मूर्खों के बीच में नहीं होती है, महान व्यक्ति की पहचान हमेशा महान लोगों में होती है। हो सकता है मूर्ख लोग उनका उपहास कर रहे थे लेकिन जब वो आए नारद व्यासदेव शंकर जी के बीच में तो सबने उनको उनका, क्योंकि उनका शरीर से इतना कांति निकल रहा था, जैसे हम सुना थे वामन देवी कथा में, तो वामन देव जी बड़ी महाराज जी यज्ञशाला में पहुंचे तो सब लोग खड़े हो गए, उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था। फिर राजा परीक्षित जो कि क्या कहते हैं, कहते हैं हे ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपने कृपा करके यहां पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर, साधु लोग कृपा करके जाते हैं, दुर्भाग्य है कलयुग में लोग सोच रहे हैं अरे साधु क्यों आ गया हमारे घर में। जैसे मैं सुना कि साधु का एकमात्र उद्देश्य क्या है, भगवान का नाम का प्रचार करना। तो परीक्षित महाराज राजा थे, पूरी सृष्टि के सम्राट थे, लेकिन वो जानते थे कि क्योंकि परीक्षित महाराज स्वयं भगवान के महान भक्त थे, अरे उन्होंने तो माँ के गर्भ के अंदर दर्शन किया था भगवान का, इसलिए उनका नाम पड़ा था परीक्षित। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो उत्तरा जो कि परीक्षित की मदर थी वो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई, पाई माम योगेश्वर की मेरी रक्षा करो। और तब भगवान चाहते तो बाहर से भी रक्षा कर सकते थे, भगवान सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मास्त्र काट सकते थे अपने सुदर्शन से, लेकिन भगवान गीता में क्या कह रहे हैं,
भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतयंतो माम ये जन भारवास्ते तेषां नित्य भुक्तानां योग क्षेम वाहम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है ना, उसके स्वयं आके योग क्षेम वाहम्य अहम, उसको मैं स्वयं प्रदान करता हूँ, स्वयं रक्षा करता हूँ। तो वहां गए पर्सनली और खाली हाथ नहीं गए, अपना गदा शंख चक्र सब लेकर गए। परीक्षित ने उनका दर्शन किया, लेकिन जब बाहर आया तो देखा रे वो कौन महान व्यक्ति थे जिन्होंने की मेरा रक्षा किया गर्भ के अंदर, ढूंढ रहे थे तब से, तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, परीक्षण कर रहे थे वो। तो हम चर्चा करेंगे परीक्षित जानते थे कि भगवान और भगवान के भक्तों की कितनी महिमा है। तो कह रहे हैं हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहां पर मेरे अतिथि के रूप में प्रकट हुए हो, तो क्या कर दिया आपने, हम सबके लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। दर्शने पवित्र के लिए यही तुम्हार गुण, हम गाते हैं ना कि साधु के भगवान के शुद्ध भक्त के दर्शन मात्र से वो जगह तीर्थ बन जाती है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। अयोग्य राजा नहीं थे वो, योग्य राजा थे। अगर आप परीक्षा भाई कथा पढ़ोगे आगे कि कैसे जैसे उन्होंने देखा कि कली प्रवेश कर रहा है, इमीडिएटली तलवार निकाल के कली को रोक दिया कि मेरे रहते हुए थे तुम राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और फिर कली ने क्या किया, बोला नहीं मेरा समय आ गया है, मुझे कोई जगह तो दो। और फिर उन्होंने चार जगह दी, ये जहाँ पाप होते हैं चार, शराब पियेंगे, लोग मांस खाएंगे, वे विचार करेंगे, जुआ खेलेंगे। तो उस कली ने बोला अरे आप चीटिंग कर रहे हो बेटा, ये चार तो जगह है ही नहीं आपके राज्य में कहीं, क्योंकि उस समय उनका राज्य इतना पवित्र था। और तब उन्होंने बोला कि जहाँ पे अविधिपूर्वक अवैध धन होगा, सोना होगा, वहां पर भी तुम वास कर सकते हो। तो यानी वो कहते हैं कि अयोग्य राजा है, अपने आप को बड़े विनम्र रूप में प्रकट कर रहे हैं, हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बने हैं। वी हैव बिकम फॉर्चुनेट टू सर्व ए प्योर डिवोटी। प्रभुपाद लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यता किन्हीं भौतिक भोक्ताओं विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। तो आप ये प्रश्न, राजा क्यों बोल रहा है कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट, राजाओं के पास तो ज्यादातर लोग मांगने जाते रहते हैं, साधु लोग जाते रहते हैं, और क्या साधु लोग भिखारियों के पास हो जाएंगे, राजाओं के पास जाते हैं कि भाई हमें दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए। लेकिन सुखदेव को स्वामी जी जैसे जो महान भक्त हैं, जो संत हैं, वो राजाओं के पास नहीं आते। और प्रभुपाद तात्पर्य कोट कर रहे हैं किसको, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को, किस राजा प्रताप रुद्र थे, वो नाम भी सुन लेते ना राजा तो कहते नहीं तुम भाग जाओ यहां से, क्योंकि वो एक आदर्श साबित करना चाहते थे कि जो साधु है, सन्यासी है, भक्त है, उसको जो भौतिक विचारों में नील रहने वाले व्यक्ति हैं, राजा हैं, धनी व्यक्ति हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। महाराज प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उसे भेंट करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार ज्यादातर सुखदेव गोस्वामी राजाओं के पास नहीं जाते थे, लेकिन यहां पर क्योंकि परीक्षित महाराज भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान की योजना थी कि सुखदेव गोस्वामी की तरह वो कथा सुने, तो आते हैं अगले श्लोक में। 33वां श्लोक फर्स्ट कैंटो चैप्टर 19:33 वर्स नंबर हम पढ़ रहे हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है। वो कहते हैं आपके स्मरण मात्र से हमारा घर तुरंत पवित्र हो जाता है, स्मरण मात्र से। तो आपके देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने और अपने घर में आप आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या है। क्या लगता है परीक्षित महाराज कुछ लेना था क्या उनसे कि मक्खन लगा रहे हैं उनको, शरीर छोड़ने वाले हैं। और अंत समय में तो आदमी हमेशा सत्य बात करता है। वो कह रहे हैं कि आपका स्मरण मात्र करने से हमारा घर, स्मरण मात्र से, ये है भगवान के भक्तों की महिमा। और वो क्या कह रहे हैं कि आपको देखने, स्पर्श करने और आपके पवित्र चरण को धोने की तो बात ही क्या है। प्रभुपाद जी यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों और संतों की उपस्थिति के कारण होता है। तीर्थ में क्या होता है, तीर्थ स्थान में क्या होता है, लोग सोच रहे हम तीर्थ स्थान में जाएंगे पवित्र हो जाएंगे, जैसे गंगा जी के बारे में सुनते हैं, लोग जा रहे थे गंगा जी में स्नान करने के लिए, सारे पाप छोड़कर आए थे, गंगा जी बड़ी परेशान, उनको तो पवित्र कर दिया, लेकिन कह रहे सारे पाप मेरे पास छूट रहे हैं तो मेरा क्या होगा। भगवान के पास गई और फिर भगवान सुनने का मेरा कल्याण कैसे होगा, तो भगवान ने बोला चिंता नहीं करो, जो साधु तुम्हारे घर में तुम्हारी नदी में आकर स्नान करेंगे ना, तो जो पापी लोग हैं वो तो अपने पाप छोड़ के जा रहे हैं,
और तुमने अपनी शक्ति से उनको मुक्त कर दिया। जब साधु आकर स्नान करेंगे तो फिर क्या है, वो तुम्हें भी पवित्र कर देंगे। तो भगवान के भक्त की महिमा बढ़ाते हुए स्वयं भगवान कह रहे हैं कि गंगा जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रभुपाद ज्यादा लिख रहे हैं, कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थान हो जाते हैं और अपने पापों को वहां छोड़ देते हैं जिससे वे वहां संचित हो, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वे स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाता है, और इस तरह वहां पर उपस्थित भक्तों और संतों की कृपा से वे पवित्र स्थान भी पवित्र बन जाते हैं। ये है तीर्थ कुरवंती तीर्थानी। जो गृह में दी घर है वो तो तीर्थ बन ही जाएगा, जो ऑलरेडी पवित्र स्थान है क्योंकि वहां पर कई पापी लोग आके अपने पाप छोड़ जाते हैं तो वो भी पवित्र होते हैं। जैसे जब कुंभ मेला शुरू हुआ तो प्रभुपाद ने बोला कि डिवोटीज को जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि वहां पर कई लोग आते हैं और उनको दर्शन देकर भगवान का किताब दर्शन मतलब हमने कहा ना भगवान का ज्ञान फिलॉसफी देकर उनका कल्याण करना चाहिए। तो जो साधु लोग हैं वो इतने महान हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ऐसे महान भक्त हैं, आगे अगले श्लोक में कहते हैं सारे गुणगान कर रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का। जिस प्रकार श्लोक संख्या 34, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे सुखदेव गोस्वामी हे महान योगी, मनुष्य के अभेद पाप जो ये खत्म नहीं हो सकते वो भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। यहां र निकट गिले पाप दूरा जाए, हम गाते हैं ना एक बार करुणा करो वैष्णव गोस्वामी मेरे भजन में, यहां र निकट गिले पाप दूरा जाए, जिसके निकट जाने वाले से पाप दूर हो जाते हैं। यहां लिख रहे हैं कि जिस तरह भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत हे महान योगी, मनुष्य के अभेद पाप भी आपकी उपस्थिति के अंदर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधु संघ की महिमा समझी जा गई है, बट इसका ये नहीं कि साधु के पास जाए उन्होंने पाप छोड़कर आ जाए। केवल पाप छोड़ने का मतलब कि जब हम उनके बताए गए वाणी को सुनेंगे, बताए गए जो भक्ति के मार्ग है नवदा भक्ति के मार्ग, उसको अपनाएंगे तब प्रभु सूर्य को उदाहरण देते हैं। सूर्य सब प्रकार के लोगों को शुद्ध करता है लेकिन फिर भी अशुद्ध नहीं होता, कीचड़ में से भी पानी सोख के उसको जगह का शुद्ध कर देगा पर वो खुद अशुद्ध नहीं होगा। तो जो महान संत हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे, वो कैसे करेंगे, उन उपस्थिति से नष्ट हो जाते हैं जस्ट बाय देयर मीर प्रेजेंस। श्लोक संख्या 36 में कहते हैं है कि 35 में वो कहते हैं कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, और फिर 36 में कहते हैं कि आपका आना असली भगवान की कृपा है। वो कहते भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहां प्रकट हो जाते, जबकि आप तो सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते रहते हैं, आप सामान्य लोगों के पास नहीं आते हो, और हम मरण सन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते, हमें कहां दिखने वाले हैं आप जैसे महान भक्त लोग, लेकिन जरूर भगवान की कृपा है मेरे ऊपर। तो कई बार हमने इस बात पर चर्चा की है कि भगवान की कृपा किसी के ऊपर है तो उसको साधु संग मिलता है। प्रहलाद महाराज के सामने जब नरसिंहदेव प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, जब कहते हैं भगवान नरसिंहदेव कुछ मांग लो तो प्रहलाद कहते हैं मुझे भक्तों का संग दे दो जिससे कि मैं आपका हमेशा कथा कीर्तन सुनता रहूं। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय संवाद में भी हम सुनते हैं, जब महाप्रभु ने पूछा कि सबसे बड़ा कष्ट क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, तो रामानंद राय कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख यही है, कष्ट यही है, जब मैं भक्तों के संग में नहीं हूं। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में ना होना इसका मतलब आसानी से हम कृष्ण को भूल जाएंगे, और कृष्ण अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कृष्ण सूर्य सब माया अंधकार, कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, और अंधकार में जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में घुसोगे तो ठोकर लगेगी आपको, गिरोगे पटोगे और कुछ नहीं होने वाला। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से प्रकट हो गए, यहां पर कोई फोन करके बुलाया तो नहीं था सुखदेव गोस्वामी को कि जी मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ आ जाओ, जैसे कई बार हमारे को लोग बोलते हैं प्रभु जी वो किसी की ना शरीर छोड़ने वाले थोड़ा गीता सुन लो, गीता सुना दो उसके घर में आगे, बट परीक्षित महाराज ऐसा नहीं किया था, बट भगवान की कृपा से स्वेच्छा से आप यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहते हो। प्रभुपाद इस पर हम लिखते हैं निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए। देखिए कृष्ण दोनों को इंस्पायर कर रहे हैं, कहने का मतलब कि सुखदेव गोस्वामी इतने महान भक्त है कि डायरेक्ट भगवान कृष्ण को बोल रहे जाओ मेरा काम करके आओ। ये सुखदेव गोस्वामी की महिमा है, ये परीक्षित महाराज की महिमा है। परीक्षित महाराज को आश्वासन, चिंता न करो,
मैं अपने सबसे बढ़िया भक्त को भेजूंगा। मनुष्य अपने गुरु और भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को भेजा है भगवान ने। अगला श्लोक 37 क्या कहते हैं, आप महान संतों और भक्तों के गुरु हैं, साधारण लोगों के गुरु नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो भक्त हैं, संत हैं, गुरु के भी गुरु हैं। शुरू में श्लोक सुना था, सुख गोस्वामी से प्रेयर कर रहे हैं, कह रहे आप महान संतों और भक्तों के गुरु हैं, अतएव अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणसन है उसके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाएं। आप संतों के गुरु हैं, भक्तों के गुरु हैं, मैं भी छोटा मोटा भक्त हूं, तो आप मुझे विशेष रूप से जो मरणसन है, मरण आसन है बेसिकली, मतलब जो मृत्यु के आसन पर बैठे हैं, हम सब यहां हम सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी को पता था कि परीक्षित मार्ग का तो 7 दिन थे हमारे पास। ये बात जब पूछी गई ना यक्ष ने, आपको पता है 12 महीने की कथा यक्ष से शुरू हुई थी। यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर महाराज से कि धार्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला था महाजनो ये न कथा धर्मस्य तत्वम निहत गुहितम, धर्मस्य तत्वम नियत गुहितम महाजनो ये न कथा सुपंथा, कि धर्म के जो तत्व हैं बड़े गुही हैं, इनको केवल महाजनों के पद से पालन करके सुना जाता है। तो उसी यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से कई प्रश्न पूछे थे, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भैया प्रतिक्षण हर समय बहुत सारे लोग यमराज के घर में जा रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं, जो बाकी बचे हुए हैं वो सोचे कि हमारा नंबर तो कभी आने वाला ही नहीं। तो यक्ष ने बोला आपको कैसे क्यों ऐसा लगता है कि भाई बाकी लोग नहीं प्लानिंग कर रहे, बोले अगर प्लानिंग कर रहे होते तो फिर इस संसार में प्लानिंग कर रहे होते रहने की, यहाँ तो 5 ईयर 10 प्लान 10 ईयर प्लानिंग, अभी मेरी 4 महीने की कोठी है तो 10 महीने की होनी चाहिए, अभी इतना बैंक बैलेंस उतना हो जाएगा, जब पता है कि मेरे को जाना है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि विशेष रूप से जो मरण आसन है, तो हम सभी असली मरण आसन है, तो सबके लिए आप पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। प्रॉपर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दिखा रहे हैं कि दोनों क्वालिफाइड होने चाहिए, कौन, शिष्य भी गुरु भी। जब तक कोई पूर्णता के मार्ग के विषय में पूछने के लिए पूरी तरह उत्सुक ना हो तब तक गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के प्रति अपनी उत्सुकता प्रदान करेगी, नहीं आई वॉन्ट टू नो नाउ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। गुरु कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, गुरु गृहस्थ के लिए अलंकरण स्वरूप नहीं है, सामान्यतः फैशन के रूप में भौतिकवादी बिना किसी लाभ के तथाकथित गुरु रख लेते हैं, और ऐसा छंद गुरु तथाकथित शिष्य की चापलूसी करता है, और निसंदेह इस तरह गुरु और शिष्य दोनों ही नरक में जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करिए, आप तो देखो भक्तों और संतों के गुरु हो, इसका आपको पूरा ज्ञान है भक्ति के बारे में, और मेरा भी थोड़ा रुचि है कि मेरे को क्या करना चाहिए, इसलिए आप कृपा करके मुझे ज्ञान दीजिए। तो डेकोरेशन पीस नहीं गुरु, सिर्फ नेम से के लिए, हाँ जी मेरे भी गुरु जी हैं, अगर वो गुरु शास्त्रों के अनुसार आपको कर्म करने को बता रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो तब ठीक है। इसने बलि महाराज की कथा में सुना, जब गुरु जी ने बोला नहीं नहीं अरे विष्णु को नहीं देना है, बलि महाराज का ठीक है फिर तुम भी जाओ। अगले श्लोक में कहते हैं सॉरी 38 वर्ष में, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या पूजा करना चाहिए, और साथ में ये भी बताएं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, कृपा करके मुझे सब बताएं। तो गुरु से जाके ये पूछना है, तभी हम देखेंगे वो सुखदेव गोस्वामी, ये श्लोक में चलो अगला पढ़ लेते हैं, वो कहते हैं 38 वर्ष में पहले वो कहते हैं नूनम भगवता ब्राह्मण गृहेषु गृह वेदीनाम, वहां भी आया था ना गृहेषु गृह वेदीनाम, लक्ष्यते ही अवस्थानम अपि गो दहनम कश्चित। वो कहते हैं हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है, उतनी देर भी नहीं रुकते, मतलब बहुत कम रुकते हो। लेकिन हम देखेंगे वो सुखदेव गोस्वामी गाय धोने का मतलब 5-10 मिनट, वो सुखदेव गोस्वामी जो कि 5-10 मिनट भी किसी घर में रुकते थे, और यहां परीक्षित महाराज के पास 7 दिन 7 रात लगातार रुके, क्यों, उसका कारण क्या है,
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न क्या पूछा है परीक्षित ने, कृपा मुझे बताएं कि मनुष्य क्या सुनना, जपना, स्मरण और पूजा करना चाहिए। तो ये है सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरुओं की पहचान कि जहां उनको कथा कीर्तन का अवसर मिलता है, किसी व्यक्ति को भक्ति में उत्साहित करने का अवसर मिलता है, वहां वो आउट ऑफ द वे जाके अपने नियम भी तोड़ लेते हैं कई बार। इसी ने बताया था ना, प्रभुपाद जी एक बार रेस्ट कर रहे थे, रात के 12 बजे थे, तो कोई व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया तो उनके सेक्रेटरी ने मना कर दिया, नहीं नहीं अभी नहीं मिल सकते, रेस्ट कर रहे। प्रभुपाद जी ने जैसे सुन लिया आवाज, बोला कौन है? बोला कोई मिलने आया, कहते लेट हिम कम इनसाइड। और तब उन्होंने क्या बोला, प्लीज डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज ऑफ सर्विंग कृष्णा। उन्होंने बोला कि जो मेरे को कृष्ण की सेवा करने का अवसर मिला है वो मुझसे छीनो नहीं। तो ये सुखदेव गोस्वामी का मूड है और उनकी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों का मूड है। तो वैसे सुखदेव गोस्वामी रुकते नहीं थे, लेकिन अभी वो रुक जाएंगे क्योंकि उनका परीक्षित महाराज का प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की जो पोजिशन बड़ी यूनिक है, वो सबसे बढ़िया श्रोता है और वो सबसे बड़े वक्ता है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथाओं को आत्मसात किए हुए हैं, ही हैज रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, और परीक्षित महाराज उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े उत्सुक हैं। प्रभुपाद कहते हैं इफ सच ए कम्बिनेशन इज मेड पॉसिबल, अगर ऐसा कम्बिनेशन मिल जाए तो कृष्ण कथा इमीडिएटली बिकम्स रिवील्ड, फिर असली में कृष्ण कथा होती है, नहीं तो सब व्यथा होती है। सुखदेव गोस्वामी का कोई और मोटिव नहीं था, ये नहीं कि मेरे को शिष्य बनाने हैं, मेरे को पंडाल लगा के कोई पैसा इकट्ठा करना है इसलिए मैं भागवत कथा करूंगा। सुखदेव गोस्वामी का एकमात्र उद्देश्य था भगवान के नाम का गुणगान करना। ये बोल के आए थे ना वो दो राधा रानी को कि जहां जहां मैं भगवान का गुणगान करूंगा। और परीक्षित महाराज का कोई और उद्देश्य नहीं था। ज्यादातर लोग कई बार भागवत कथा आयोजन करते हैं कि हमारे को उसका पुण्य मिलेगा, जो ब्राह्मण लोग बुलाते हैं कि भाई ठीक है 7 दिन की कथा आप करो, ब्राह्मण जी वो अपने घर में टीवी देख के सो रहे होते हैं, और ब्राह्मण जी आप पाठ करते हो और 7 दिन यज्ञ होगा तब मैं आ जाऊंगा। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए तो बैठे नहीं थे। तो यहाँ लिख रहे हैं कि दोनों ही, ना परीक्षित को कोई भौतिक ज्ञान या भौतिक उपलब्धि चाहिए थी, ना ही सुखदेव गोस्वामी को कोई शिष्य और धन की इच्छा थी, दोनों कृष्ण कथा सुनना चाहते थे। और सुखदेव गोस्वामी ने एक बार बोला परीक्षित महाराज, क्योंकि गुरु का काम है टेस्ट करना शिष्य को, ये भी इंपॉर्टेंट, हमने सुना था जैसे नारद जी थ्रू महाराज को टेस्ट करते हैं, नारद जी की महाजन की कथा में सुना था हमने। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला अच्छा आप सुन रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा पानी पुनी ब्रेक, लंच ब्रेक है, पास लेकर घूमे आओ बाहर। क्योंकि परीक्षित महाराज, देखिए वो परीक्षित महाराज जो कि पानी ना मिलने की वजह से और इतना गड़बड़ कर रहे थे कि उनको श्राप मिला, वो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी? वो कहते हैं कि जहां तक साधारण व्यक्ति की बात है, उस व्यक्ति को ये भूख और प्यास का कष्ट महसूस हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं जहां तक कृष्ण कथामृत की बात है, वो इतनी सुंदर है कि कोई व्यक्ति इसको निरंतर श्रवण करता रहेगा और वो उसे थकेगा नहीं, क्योंकि ये जो कथा है वो दिव्य स्तर पर है। सुखदेव गोस्वामी जानते हैं इस बात को, लेकिन परीक्षित महाराज के द्वारा गुणगान करवा रहे हैं। और जब ऐसे परीक्षित महाराज ने बोला कि मेरी कथा सुनने की इतनी रुचि है कि मेरे को कोई ब्रेक नहीं चाहिए, देखिए सुबह दोपहर शाम रात, फिर सुबह दोपहर शाम रात कंटिन्यूसली कथा हो रही है, कंटिन्यूसली कथा हो रही है, तो क्या कहते हैं वो? फिर सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण की कथा का करना शुरू करते हैं और जो कि कलयुग की सारे दोषों को दूर करने वाला। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते ही थैंक्स द किंग, वो बड़ा धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पहले जो शिष्य है वो गुरु का गुणगान कर रहा है और अब गुरु के रूप में सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका जो कृष्ण की कथा सुनने की जो ईगरनेस है, उत्सुकता है, वो बड़ा धन्यवाद, भूरिदा भूरिदा। एंड देन इनकरेजेस हिम, उसको इनकरेज करते हैं। क्या कहते हैं इनकरेज करके? कि मेरे प्रिय राजन, हे राजन, तुम्हारी जो बुद्धि है वो बड़ी सुंदर है, क्योंकि तुम कृष्ण की कथाओं को सुनने के लिए आतुर हो। सुमेधसा, भागवतम के 11वें स्कंद में श्लोक आता है ना, जब चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में बोलते हैं, कृष्ण वर्णम कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णा सांगोपांगस्त पार्षदा यज्ञ संकीर्तना प्राय जयंती सुमेधसा। मेधा बुद्धि को बोलते हैं, तो जिसकी सुंदर बुद्धि है वो कृष्ण की कथा कीर्तन में भाग लेगा।
तो सुखदेव गोस्वामी कंफर्म कर रहे हैं, यस योर इंटेलिजेंस इज वेरी गुड, यू आर वेरी गुड पर्सन, क्योंकि आप कृष्ण की कथा कीर्तन सुनने में आतुर हो बिना भौतिक रुकावट के, जैसे है अहितु की अप्रतिहता, अन्य अभिलाषता शून्यम, ये दोनों भक्ति के गुण हैं, कोई और अभिलाषा नहीं है, और अहितु की मतलब बिना किसी रीजन के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के, ऐसा नहीं रुकावट के लिए खेल थोड़ा ब्रेक लेके आते, नो कंटिन्यूसली। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का जो कथा कीर्तन है, भगवान की जो दिव्य लीलाओं का कथा और कीर्तन है, वो इतना दिव्य है कि वो तीनों प्रकार के लोगों को पवित्र करता है। असली में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तुम तो इतने महान राजा हो कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति की कथा सुन की सुनने की जो इच्छा है वो मुझे भी पवित्र करने वाली है। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी एक गुरु जरूर है, पर यहाँ पर एक बड़ा अच्छा गुण दिख रहा है उनका, जो गुरु है वो अपने आप को कृष्ण के सेवक दास के रूप में मानता है। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण तीन लोगों को पवित्र करती है, जो सुनता है, जो बोलता है, और जो तीसरा व्यक्ति जो साइड में बैठा है, मतलब जो लिसनर्स हैं दूसरे, वन हु रिसाइड्स द टॉपिक्स ऑफ कृष्णा, वन हु हियर्स द टॉपिक्स एंड हु इंक्वायर्स अबाउट हिम। और फिर उदाहरण, जैसे कि जैसे गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है, ऊपर बीच और नीचे वालों को, उसी प्रकार से जो भगवान की कथा है, भगवान का लीला है, वो तीनों प्रकार तो के लोगों को पवित्र करने वाले। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आप का धन्यवाद करते हुए कह रहे हैं कि आप बड़े धन्यवादी हो क्योंकि आपने मेरे को अवसर दिया है कथा करने का। और फिर वो सेकंड कैंटो में प्रवेश करते हैं, वो पूछा था उन्होंने प्रश्न, परीक्षित का प्रश्न था कि आप बताइए मुझे क्या सुनना चाहिए, जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो अब सेकंड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, हम सेकंड कैंटो में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, हे राजन, आपके जो प्रश्न है ना वो महिमामय है। अब गुरुजी ने ये नहीं बोला यार तूने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया इतना कॉम्प्लेक्स सा। कहते नहीं, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है क्योंकि समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। आपने के अपने लिए नहीं, सब लोगों के लिए लाभ वाला प्रश्न पूछा। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? श्रवण करने का प्रमुख विषय है, समथिंग वर्थ हियरिंग। और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। जितने भी अध्यात्मवादी हैं, जितने भी ऋषि मुनि साधु लोग हैं, वो इसी प्रश्न के उत्तर को श्रवण करना चाहते हैं। तो श्रवण करने का विषय क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी अवर सब्जेक्ट ऑफ हियरिंग, वो कह रहे हैं। हम सिद्ध तो है ही है बहुत कुछ, ग्राम्य कथा ना को हेरिवे, ग्राम्य कथा ना सुनिवे। महाप्रभु कहते हैं ग्राम्य कथा नहीं सुननी है, इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, प्रजल्प नहीं सुनना है, प्रजल्प करना नहीं है, कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये होना चाहिए श्रवण, नहीं तो कहते हैं कि जो कान से हम भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुन रहे हैं वो क्या है? वो उस बिल की समान है जिसमें सांप रहता है, वापस नहीं आने वाला कुछ भी, वेस्ट है। अगले आगे जाके पांचवें श्लोक में बोलते फिर आंसर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आप ज्ञान दे रहे हैं। अभी तक मैंने सुखदेव गोस्वामी क्वालिटीज के बारे में सुना, एक दो उनकी इंस्ट्रक्शन सुनते हैं क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। वो कह रहे हैं हे भरतवंशी, हे राजन, और वो सबको नहीं, वो राजन कोई नहीं, हम सबको संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बोल के चुके कि सबके लिए ज्ञान, तो हम सबको एड्रेस कर रहे हैं। हे राजन, हे भरतवंशी, हे मित्रों, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, हम में से कोई है? कोई है जो कष्टों से मुक्त होना चाहता है? कमेंट कर सकते हो बाद में। जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे क्या करना चाहिए? हाँ, उसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्य, कीर्तन करना चाहिए, स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। किसका? भगवान ईश्वरो हरि। कह रहे उसे उन भगवान का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। किनका? स्मर्तव्य इच्छता अभयम्, जो कि परमात्मा है, भगवान मतलब परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वात्मा, सर्वात्मा मतलब सबके जीवात्मा है, और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले अभयम्। भजौ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंद रे,
भगवान के जो चरणावृंद हैं वो भय को दूर करने वाले। सुखदेव गोस्वामी ये ज्ञान दे रहे हैं, वो स्वयं भी इसी मूड में थे और हमको भी ये ज्ञान दे रहे हैं, ये ऐसे सुखदेव गोस्वामी हैं। आगे नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, फिर कहते हैं, पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म की भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो क्या है। वो कह रहे हैं क्यों करना है आपको, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्यों करना है, क्योंकि मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है अंते नारायण स्मृति ही, वो है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। अगर वो नहीं हुआ तो श्रम ही केवलम होगा। अंगीता में कह रहे हैं अंतकाले चामामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो शरीर को छोड़ते हुए मुझे स्मरण करेगा मुझे प्राप्त करेगा, और नहीं तो यम यम वापी स्मरण भावा तो जनते कलेवरम, वहां भी कलेवर छोड़ने के बारे में बात कहा है। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है वो क्या है, अंते नारायण स्मृति, अंत में जब शरीर छोड़ेंगे तो भगवान का स्मरण हो, और वो स्मरण कैसे होगा, जबकि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवान ईश्वरो हरि, भगवान हरि का जब लगातार हम निरंतर कीर्तन स्मरण करेंगे और श्रवण करेंगे तब अंत में क्या है भगवान का स्मरण होगा। और फिर अगले चार पांच श्लोक में बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं अब तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं ना, ये मैंने खुद मैन्युफैक्चर नहीं किया मार्केट में। द्वापर युग के अंत में अपने पिता व्यासदेव जी से मैंने श्रीमद् भागवतम नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया था जो समस्त वेदों के तुल्य हैं। तो सुखदेव गोस्वामी समझा रहे अपने बिहेवियर से कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एन आइडियल गुरु। गुरु ये नहीं कहता ये ज्ञान मैंने मैन्युफैक्चर किया है, वो कहता है मैंने ये ज्ञान अपने गुरु जी व्यास देव जी से सुना था, और ये ज्ञान कैसा है, सारे ग्रंथों का सार है, महापुराण है। फिर कहते हे राज ऋषि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप में स्थित था, अध्यात्मवादी थे, ब्रह्मवादी थे, लेकिन फिर भी मैंने उन भगवान की लीलाओं के वर्णनों के प्रति आकृष्ट हुआ जिसका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया था। भगवान का नाम है ना उत्तम श्लोक, तो भगवान के बारे में उत्तम श्लोक सुने, वो दो श्लोक हमने बताए थे आपको। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो मुझे सारा कुछ ज्ञान था, लेकिन तब भी जब मैंने भगवान की दिव्य लीलाओं गुणों के बारे में सुना, उनकी कृपा के बारे में सुना, तो मेरा आकर्षण उन लीलाओं की तरफ बढ़ गया, इसलिए तुम्हें भी इनके बारे में सुनना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं देखो मैं तो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत था, तब भी मेरा आकर्षण उसमें बना रहा है, भौतिकवादी लोगों के लिए नहीं कह रहे, वो तो कह रहे आध्यात्मिकवादी जो लोग हैं उसमें भी उनको आकर्षित किया कृष्ण लीलाओं ने, तो हमें तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में तो बिल्कुल भी आनंद नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जिसको उसमें आनंद है, ब्रह्म ज्योति में एटलीस्ट शांति तो है ही है, डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि नहीं है, तो फिर क्या जरूरत थी उनको। लेकिन वो कह रहे नहीं है, फिर भी मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ। तो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, जैसे व्यासदेव जी ने नारद को, सॉरी नारद मुनि ने व्यासदेव जी को ये बात बोली थी कि तुम भगवान की लीलाओं का वर्णन करो, व्यासदेव जी ने भी सुखदेव गोस्वामी को ये बताया कि तुम ब्रह्मवादी बने कहा घूम रहे हैं भैया, कृष्ण लीला का वर्णन कर ले, सुन ले। और अब सुखदेव गोस्वामी भी ये कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज, अगर आप स्मरण करना चाहते हो, जपना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो कृष्ण लीलाओं का स्मरण करो। फिर कहते हैं मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं, यू आर वेरी कमिटेड डिवोटी, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान सुनाने जा रहा हूं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे मनोयोग से, अभी शुरू नहीं हुई है, बता रहे कि माइंड सी सुखदेव गोस्वामी इज प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, कहने से अगर जो गुरु है उसका सबसे पहले काम क्या है कि पहले बीज डालने से पहले जो खेत है ना उसकी गुड़ाई करना, उसको प्रिपेयर करना। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, वो इज रेडी टू टेक द सीट ऑफ डिवोशनल सर्विस, बट कह रहे देखो जो इसको पूरे मनोयोग से और सम्मान पूर्वक सुनता है उसकी परमेश्वर के अंदर, मोक्षदायक परमेश्वर की अंदर अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है, अविचल श्रद्धा प्राप्त होगी उसकी।
आगे कहते हैं फिर अगले श्लोक में, हे राजन महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय और निर्भीक मार्ग है, कोई डाउट नहीं इसमें, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं। तो जो योगी लोग हैं जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं वो भी लोग जब नाम कीर्तन करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं उनके भी लिए ये है, या जो ज्ञान में संतुष्ट है उनके लिए, तीनों लोगों के लिए, जो भौतिक सुख चाहते हैं उनके लिए भी, जो ब्रह्मवादी ज्ञानवादी हैं उनके लिए भी, और जो मुक्त हैं, सब लोगों के लिए भगवान का जो नाम कीर्तन है, पवित्र नाम का कीर्तन, इट इज अ की टू सक्सेस, सफलता का निसंशय और निर्भीक मार्ग। निसंशय मतलब कोई डाउट नहीं है इसमें, और निर्भीक मतलब जब इस रास्ते पे चलेंगे, कई बार रास्ता 100% कंफर्म्ड है लेके जाएगा, लेकिन डर लगता है रास्ते में, कर निर्भीक मार्ग, डोंट वरी, बहुत लोग चले इस रास्ते पर और प्राप्त किया इस रास्ते को। तीन श्लोक और पढ़ेंगे मैं सब। फिर वो कहते हैं ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जिससे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गंवा दी जाए। लोगों का लंबी उम्र चाहिए दवाइयां खा के, लेकिन कह रहे क्या फायदा है ऐसे लंबे जीवन का अगर उसमें कुछ नहीं किया हमने, भक्ति नहीं किया। इससे तो अच्छा होगा कि एक क्षण में जिसमें कि पूरी चेतना रहे भगवान के बारे में, जिससे कि हमारा परम कल्याण का मार्ग मिल जाए। और फिर वो एक एग्जाम्पल देते हैं, कहानी सुनाते हैं, किसकी, महाराज खटवांग की स्टोरी, एक श्लोक में हम चर्चा करेंगे सिर्फ। वो कहते हैं राज ऋषि खटवांग बड़े महान राजा थे। तो क्या हुआ, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, तो देवताओं को पता था कि ये राजा खटवांग बड़े शक्तिशाली राजा हैं, तो देवताओं ने राजा खटवांग की हेल्प मांगी, और खटवांग जी ने क्या किया, देवताओं की बड़ी हेल्प की, पूरा युद्ध किया दबा के और असुरों को हरा दिया। तो देवताओं ने बोला ठीक है आपने हमारी हेल्प की, प्लीज कोई आशीर्वाद मांगो, कोई हम आपके क्या सेवा करें, क्या गिफ्ट दें आपको। अब देखिए देवताओं कह रहे हैं कि गिफ्ट ले लो, तो बड़ा अच्छा गिफ्ट मांग सकते थे, लेकिन राज ऋषि है यहाँ पर खटवांग महाराज। भागवतम के अंदर सारे राजाओं जो हैं वो राज ऋषि हैं, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, सब महाराज हैं, पृथ्वी के सम्राट है, लेकिन राज ऋषि हैं। क्या मांगते हैं खटवांग जी बताइए। वो तो कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए कि अभी मेरे जीवन का कितना समय बच गया है। लो जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ देवता तू घड़ी देख ले, घड़ी में तो नहीं आ रहा है, कार्ड में देख लेते, नहीं देवताओं से पूछ रहे हैं बताइए, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन थी। तो वो कहते एक क्षण बचा है, बस एक क्षण, देवता लोक में थे ना थोड़ा टाइम था, एक क्षण वहां का ज्यादा बड़ा है। फटाफट इमीडिएटली वो आए नीचे स्वर्ग से जोड़ के, लिखा है राजा खटवांग को जब ये सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण बचा है, तो उन्हें तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान कृष्ण की शरण ली, और उन्होंने प्रिपरेशन पहले करके रखा था, ऐसा नहीं कि उसी टाइम आए फटाफट और फाइनल में बैठ गए, नहीं, परम रक्षक भगवान की शरण ली, तभी उन्होंने क्वेश्चन, ये उनका द वेरी क्वेश्चन आस्क जो उन्होंने पूछा है उसी पर चलता है कि उनकी तैयारी थी पूरी। हम तो साधुओं के पास मंदिर में आते हैं तो भी कहते हैं प्रभु जी इसका क्या सोल्यूशन है, बहुत ही प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं। फिर कहते हैं अब तो महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के केवल 7 दिन बचे हैं, अतएव उन्होंने तो देखो शरण प्राप्त कर ली, अतएव इस अवधि में आप समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कीजिए जो आपके अगले जीवन का परम कल्याण। तो फिर वो कह रहे हैं अतः प्रबुद्ध व्यक्तियों को उपाधियों वाले जगत में रहते हुए जीवन की, फिर आगे वो श्लोकों में बताएंगे हम, बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं वो, कहते हैं कि अगर जमीन है तो बेड की क्या जरूरत है, अगर हाथ है आपका तो तकिए की क्या जरूरत है, वृक्षों पे फल लगे हैं तो उसके खा के जी सकते हो, अगर हाथ दिया अगर आपको भगवान ने तो फिर आपको बर्तनों की आवश्यकता क्या है भैया, ग्लास की और फ्लास्क की। वो कहते अतः प्रबुद्ध व्यक्तियों को चाहिए, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको क्या चाहिए, उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऑफकोर्स हम सुखदेव गोस्वामी की तरह नहीं रोड पर रह सकते हैं, जंगल में रह सकते हैं बिना घर और उसके, लेकिन उनका कहने का मतलब क्या, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उसको इस जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसे हम कल भी सुन रहे थे बलि महाराज वामन देव की कथा में, वामन देव कहते जो
जितना है उसमें संतुष्ट नहीं है तो उसको पूरा मिल जाएगा तभी वो संतुष्ट होगा, जितना चाहिए मिनिमम उतना। तो कह रहे हैं कि न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसे बुद्धिमता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यवहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आजकल जैसे बोल रहे हैं एसेंशियल सर्विसेज खुली रहेगी, सुन रहे होंगे आप एसेंशियल सर्विसेज, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होटल जो बंद है आजकल, क्लब्स जो बंद है आजकल, इसका मतलब वो एसेंशियल सर्विसेज नहीं है, जरूरत है इनकी। जिम बंद है ना आजकल, चल रहा है, तो अगर नेचुरल लाइफ देंगे तो ये एसेंशियल सर्विसेज नहीं, ये नॉन एसेंशियल सर्विसेज है। तो यहां कह रहे हैं वो कि बाकी सारे प्रयास क्या है, केवल श्रमेव केवलम, जितना शरीर और आत्मा को रखने के लिए चाहिए इकट्ठा उतना वो कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि हमें भगवान के दिव्य रूप पर ध्यान करना चाहिए। सेकंड कैंटो में फिर वो भगवान के दिव्य रूप का वर्णन करेंगे और ऐसे फिर थर्ड कैंटो में ये आगे इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ज्ञान देंगे। और याद रखिए सुखदेव गोस्वामी ज्ञान दे रहे हैं, असली में सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों की कथा सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जैसे मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना है वैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं जैसे मैंने व्यासदेव जी सुना है वो मैं सुना रहा हूँ। और फिर वो बहुत सारे कन्वर्सेशन कोट करेंगे कि मैत्रेय और विदुर जी के बीच में ये संवाद हुआ, नारद मुनि और युधिष्ठिर के बीच में ये संवाद हुआ, तो इस तरह अलग अलग संवादों को कोट करेंगे सुखदेव गोस्वामी। और बीच बीच में पूरी भागवतम 10 कैंटोस तक 12वां स्कंद तक जाते रहोगे आप, सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में राजा परीक्षित के द्वारा भक्ति ज्ञान को प्राप्त करने की जो उत्सुकता है उसके बारे में बड़ा गुणगान करते हैं। अभी भी हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम सब लोगों ने भगवान की कथा सुननी चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन कथाओं को सुनकर थक जाएगा है? ऐसे करते करते और पूरा भागवतम बोलते हैं एक बड़ी सुंदर बात, इंपॉर्टेंट बात, सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत सुना देते हैं लेकिन कहीं भी वो डायरेक्टली राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। जबकि हम देखेंगे जब 9 स्कंद पूरे हो गए, 7 दिन के अंदर से 3.5 दिन के अंदर 9 स्कंद पूरे हो गए थे और फिर परीक्षित माने बोला कि आप मुझे विशेष रूप से कृष्ण और बलराम की लीलाओं के बारे में ज्ञान दीजिए। और फिर सुनाते हैं भगवान की वृंदावन की लीलाएं, 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है, करीब 90 से ज़्यादा चैप्टर हैं उसके अंदर, तो वहाँ पर वो ज्ञान देते हैं लेकिन वो एक बार भी राधा रानी का नाम लेते हैं। इंटरेस्टिंग, राधा रानी भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, भगवान कृष्ण के सारे भक्तों का नाम आया है, प्रहलाद ध्रुव नारद विश्व पितामह सबका, लेकिन सुखदेव गोस्वामी डायरेक्टली एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि परीक्षित महाराज के पास कितना समय बचा है, 7 दिन बचे हैं सिर्फ, 7 दिन में उनको भगवान की कथा सुनानी है। अब सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि अगर मैंने एक बार भी राधा रानी का नाम ले लिया तो उस राधा रानी का नाम लेते ही और मेरे को क्या है आध्यात्मिक उन्माद एक्सटेसी भाव में आ जाऊंगा और पता नहीं कुछ हफ्ते महीने पता नहीं कितनी देर में है उस ट्रांस में रहूंगा, उस भावना में रहूंगा और मुझे पता नहीं कौन वहां से वापस लेकर आएगा। वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये श्लोक आता है, श्री राधा नाम मात्रे न मूर्छा सन्मयस्य का भाव है, राधा रानी का नाम लेने मात्र से क्या फिर मूर्छा आ जाएगी। और उन्नत चरित्र मत स्पष्टम परीक्षित हित कृणु मुनि, परीक्षित को तो 7 दिन में शरीर छोड़ना है तो फिर सप्तम मतलब तो फिर मैं कैसे उसको कथा सुना पाऊंगा। तो कह रहे हैं कि अगर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम लिया होता तो इमीडिएटली वो राधा रानी का स्मरण करते, राधा रानी के संग कृष्ण का स्मरण करते और राधा रानी के कृष्ण के प्रेम में भावभूत होके वो इतना मस्त हो जाते कि फिर उनका जो ध्यान है कृष्ण और राधा रानी में लग जाता और फिर वो शायद परीक्षित महाराज को पूरा ज्ञान नहीं दे पाते। इसलिए एक जगह दो जगह जैसे भागवतम में 10वें स्कंद में जब भगवान रासलीला से अदृश्य हो जाते हैं, बड़ी सुंदर लीला है कि कई बार गोपियों को जब अहंकार सा हो गया कि भगवान तो हमारे संग नाच रहे क्योंकि भगवान जितनी गोपियाँ थी भगवान ने अपने आपको उतने रूप में एक्सपेंड किया था तो सब गोपियों ने सोचा कृष्ण मेरे साथ है कृष्ण मेरे साथ है, तो भगवान ने बोला इनका अहंकार दूर करना पड़ेगा। पहले गोपियों के सामने से दूर हुए, तो जब गोपियों के सामने से दूर होते हैं
तो गोपियां देखती है कृष्ण यहां नहीं है लेकिन जरूर राधा रानी के संग है, तब वहां वो वर्ड यूज करती है अराध अन्य आराधितो, कि वो गोपी के संग होंगे जो कि आराधना करने में राधा रानी करने लगे, जो आराधना करने में श्रेष्ठ है, तो भगवान उनके साथ होंगे। तो इनडायरेक्टली वहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि वो गोपी इनको कृष्ण विशेष रूप से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं, राधा रानी हो। तो सुखदेव गोस्वामी महान भक्त हैं, आज उनकी कृपा से हमें ये पूरा भागवतम जो अमल पुराण है उसको सुनने को मिला है। सुखदेव गोस्वामी तो हजारों, उनकी इंस्ट्रक्शंस तो सबसे ज़्यादा है, बाकियों के लिए तो दो चैप्टर एक चैप्टर किसी के लिए, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो पूरे ही इज रनिंग थ्रू आउट द होल भागवतम, और बड़े सुंदर उपदेश दिए हैं सुखदेव गोस्वामी ने। और देखिए जब उपदेश दे रहे हैं तो ना वो थक रहे हैं ना सुनने वाला थक रहा है, यहाँ तो जो बोलने वाला है वो भी थक जाता है, जो सुनने वाला वो भी थक जाता है, क्योंकि अभी हम सब क्या है देहात्म बुद्धि के स्तर पर हैं, सुखदेव गोस्वामी आध्यात्म बुद्धि के स्तर पर थे। तो ये अंतर है भागवत कथा, इसलिए कह रहे किसके लिए, ये मुहरो रसिको, रसिक जो लोग हैं। तो फिर आप बोलोगे जब हम समझ नहीं पाएंगे तो फिर करना क्या, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हमें ट्रेनिंग लेना है। इसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना, अतः श्री कृष्ण नाम आदि नामे भवत ग्रहम इंद्रिया सेवन मुखे जीवादो, कहते कि जो श्री कृष्ण नाम आदि जो भगवान का नाम है लीलाएं हैं उनको समझना हमारी भौतिक इंद्रिया जो है भव इंद्रिया, अतः श्री कृष्ण आदि नामे भवत इंद्रिया वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्या करो फिर भी सेवन मुखे जीवादो। तो हमें क्या सेवन करना है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस कृष्ण कथा को कानों से पीना है। ज्यादातर हम जूस पीते हैं तो मुंह से पीते हैं ना, बट वो कह रहे हैं कानों से पीना है। कानों से पीने का मतलब क्या है, क्षणवताम स्वा कथा कृष्णा क्षणवताम तत् श्रृणु, भगवान गीता में कह रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो ध्यान सुनता है थर्ड कैंटो फर्स्ट कैंटो के थर्ड चैप्टर के आखिरी श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि जो इस श्रीमद भागवतम ज्ञान को ध्यान सुनता है वो भागवतम के अंदर कृष्ण का दर्शन कर सकता है, कृष्ण को देख सकता है, बिकॉज भागवतम क्या है कृष्ण से अभिन्न है, राधर अभिन्न, कृष्ण और भागवतम एक ही हैं। इसलिए महापुरुष जब भागवतम सुनते थे तो रोते थे गदाधर पंडित के हाथों से। तो इस भागवतम का पाठ हमें सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, इतने महान महाजन है, और किस तरह से वो हमेशा देखिए एक के बाद एक, एक के बाद सारों को याद था, श्रुतिधर एक बार सुना उन्होंने व्यास देव जी से, कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया और सारा याद रहा, और जब जब परीक्षित माने जो जो प्रश्न पूछा है उसके अप्रोप्रिएट आंसर देते जा रहे हैं, ऐसा नहीं इधर का उधर मिक्स कर दिया, नो ही वॉज गिविंग इट वेरी नाइसली, भगवान की पूरी कृपा थी उनके ऊपर। तो ऐसे महान भक्तों को सुनने का हमें अवसर दिया है प्रभुपाद जी ने इस भागवतम के माध्यम से। तो सुखदेव गोस्वामी की तो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सब भक्तों से प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें और सुखदेव गोस्वामी से हम प्रार्थना करें कि जैसे वो भगवान की कथा कीर्तन में थकते नहीं हैं, और दूसरा कि भौतिक जीवन में वो उदासीन बनकर अप्रभावित हुए बिना ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती न कांक्षती रहते हैं वैसे रहें। और साथ में सुखदेव गोस्वामी को जैसे डर लग रहा था, हमें थोड़ा डर लगना चाहिए। प्रभु कहते मेरे भक्त, मेरे भक्त जो हैं माया से डरते नहीं हैं, हमें माया से डरना चाहिए, मीनिंग दैट कि हम सावधान रहना चाहिए, कुतस्य धारा प्रभु कहते जैसे कि तलवार की एज पर चलना है, मतलब क्या है सावधान। तो सावधान का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक अगर हम जप करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ते रहेंगे, और परीक्षित महाराज की तरह जब साधु संत मिले तो उनका प्रॉपर आदर सत्कार करके उनसे श्रवण कीर्तन करते रहेंगे वैष्णव व्रत के बिना, तो फिर इस सावधानी से हम कृष्ण कथा में रुचि ले सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी की जाय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जाय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे।